वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं तो और भी लोगों से बातें करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है अनम। अनम क्या करती? मैं पार्लर का काम करती हूँ। अच्छा, वाओ। चलो मुझे बताओ वो कौन सा सॉन्ग है जो पूरी दुनिया में गाया जाता है? पूरी दुनिया में गाया जाता है मसलन जो गीत गाते हैं पाकिस्तानी जो होते हैं वही ज़्यादा गाया जाता है। नहीं क्या शेर गाऊँ? मैं एक टिप शेयर करना चाहती हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये भी अभी मैं करके आई हूँ। वो टिप बालों के बारे में है। बालों के बारे में ये है मसलन बाल जो आप लोग डैमेज कर देते हैं, कलर ख़राब हो जाते हैं, इससे बेहतर है मेहंदी लगानी। अभी मैं करके आई हूँ, ये देखें मेरे हाथ हुए हुए हैं, मैं भी करके आई हूँ, किसी को लगा के आई हूँ मेहंदी। मेहंदी बनाने के लिए आपको कुआलगंदन और कुआलगंदन के साथ आपने ना उसका ग्लूदा निकाल लेना कुआलगंदन का, और चिकंदर को दोनों को ग्राइंड करके अच्छी तरह से ग्राइंड करके खुली मेहंदी के अंदर ऐड करके और साथ पत्ती का पानी ऐड करके मिक्स करके अपने बालों पर लगाएँ, और जो एंड पे थोड़ा सा उसको बचा लें वो एंड पे आपने मेहंदी बालों पर लगा कर ऊपर लगा दें और उसके बालों पर बहुत ज़्यादा शाइनिंग आएगी और बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे। इससे दो मुंह बाल होंगे वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बालों का रंग लाल लाल सा नहीं हो जाएगा? नहीं, वो ना शाइनिंग आएगी, लाल बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे आपने कहीं जाना हो आप फ़ौरन उसको लगाएं, ठीक है, धूप में 5-15 मिनट रखें, उसके बाद आप वॉश कर लें तो उसी टाइम आपके बाल बिल्कुल सही। और मैं खुद अपने बालों पे वही लगाती, मैं बिल्कुल नहीं ये डैमेज कलर वगैरह लगाती, इससे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। और मसलन मैं खुद पॉलर का काम सीखती भी हूँ और मैं दूसरों को भी यही बताती हूँ, जो मैं अपने पे लगाती हूँ वही चीज़ मैं उनको बताती हूँ। आपने बताया था मेहंदी, चुकंदर और कुआलगंदन, इसका इन दोनों को ग्राइंड करके बालों पे लगाना है और खुली मेहंदी के अंदर पत्ती का पानी ऐड करना है जिसके बाद के कावा, हाँ कावा, इन दोनों को खुली मेहंदी के अंदर मिक्स करें और मिक्स करने के बाद बालों पे लगाएं। अभी मैं लगा के आई हूँ, किसी के सुबह लगाया है, अभी उनको बाल वॉश किए मैंने और उसके बाद मैंने उनको कहा वो जो ग्लूदा बचा लिया था ना मैंने, वो मैंने कहा ऊपर लगा लें, सुबह जब दोबारा वॉश करेंगे आपके बाल को अपने आप शाइनिंग भी देंगे, ब्लैक होंगे आपके बाल और रेड आपकी हल्की हल्की शाइनिंग आएगी, बिल्कुल रेड नहीं होंगे उस बार। वेरी नाइस। हेलो, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए वेलकम। हाँ तो जी, बहुत अच्छी टिप बताई है इसने, ये तो मैंने पहली दफ़ा सुनी है और मैं कहूँगी कि आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि वो लोग जो हल्का फुल्का इस तरह का कलर चाहते हैं उनके बालों पर आए तो वो ऐसा ट्राई करें, और ऊपर से बाल भी आपके कलर हो जाएंगे और दो मुंह बाल भी ख़त्म हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस, डू ट्राई। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयशा। आपका नाम? खैमसा। आपका नाम? नाम तो अपना, मेरा नाम है राबू बुलाई। कौन सी क्लास? प्ले ग्रुप। और ये महबूब लाही। कौन सी क्लास? प्ले ग्रुप। सामने देखें, मुझे बताएं 2017 में इंग्लैंड में कितने आदमी पैदा हुए? 2017 में इंग्लैंड में कितने आदमी पैदा हुए? 500 आदमी नहीं पैदा होते, बच्चे पैदा होते हैं। तालियां बजाएं। क्या सुनाएंगे? मटन पुलाव की रेसिपी। मटन पुलाव की, भाव। और ये लोग? ये पॉइंट सुनाएंगे। चलिए आप सुनाएं, फिर इनसे भी सुनिएगा। ठीक है। सबसे पहले प्रेशर कुकर में गोश्त धोके डालें, उसमें पानी डालें और सौंफ, सूखा धनिया, गरम मसाला, लहसुन, अदरक, प्याज और सबको डाल के प्रेशर बंद करके रख दें। जब वो 20 मिनट तक गोश्त गल जाए तो उसको खोल के बोटियाँ अलग कर लें और यखनी को छान लें, फिर अलग देगची में प्याज फ्राई करें, उसमें थोड़ा सा पानी डालें, उसका कलर निकाल के उसमें नमक, गरम मसाला और दही डाल दें और साथ गोश्त डाल दें, उसको अच्छी तरह भून के उसमें यखनी डाल दें और चावल डाल दें और उसको थोड़ी देर तक पकने दें। जब उसमें यखनी खुशक हो जाए तो उसको दम लगा लें, 10 मिनट बाद खोल लें। मज़ेदार मटन पुलाव तैयार है। देखो जो हाथी है, सात प्रोचल है, छोटी छोटी आंखों वाला, बड़े बड़े कानों वाला, सून से पानी पीता है, चिड़ियाघर में रहता है, जब उसको भैंस देता चिड़ियाघर सैर कराता। आप सुनाओ।
उसकी आँख होती है और पानी पीता है सूर से। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए क्या? वेलकम जी, इन्होंने जो है वो आपको मटन पुलाव की जो है वो रेसिपी बताई है। चले जी, मैं इसमें आपको एक बड़ी अच्छी टिप देती हूँ। जब आप मटन पुलाव बनाएं तो जब आपने यखनी बनानी है उसके अंदर आपने भड़ा वाला साबुत जो लहसुन है वो डालना है। जो पहले आपने यूज़ किया वो तो डालना ही है, ये आपने पूरा का पूरा साबुत बंद लहसुन उसकी यखनी में डाल देना है। वो यखनी पकती रहेगी, वो नरम होगा, दम में भी रहेगा और जब आप चावल बना लेंगे बिल्कुल मल्टी मल्टी सा हो जाएगा, उसका अमेजिंग टेस्ट आएगा पुलाव में। सो ये ट्राई करिएगा। किससे आप बात करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयजा। क्या करती हूँ? मैं स्टडी करती हूँ। क्या पढ़ती हूँ? मैं एफए की स्टूडेंट, सिंपल सब्जेक्ट है मेरा। ओके, मुझे बताओ फेवरेट सब्जेक्ट? सोशियोलॉजी। और बुरा कौन सा लगता? सिविक्स। चलो मुझे बताओ, दुनिया में डाइवोर्स होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे ज़्यादा वजह अटेंशन ना होना एक दूसरे के साथ। सबसे बड़ी ये भी है वजह, लेकिन सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा एक दूसरे को ज़्यादा इग्नोर करना, टाइम ना स्पेंड करना। क्या सुनाओगी? मैं रेसिपी बताऊँगी सूप की चीज़ें। मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ कि चिकन सूप कैसे बनता है। चिकन सूप पहले यखनी बॉइल कर ली, चिकन लेके उसके अंदर काली मिर्च डाल दी और उसके बाद सारी वेजिटेबल उसके अंदर ऐड कर दी और फिर सारी वेजिटेबल उसके अंदर ऐड करने के बाद उसके कॉर्नफ्लावर का एक कप में डाला और उसको ना मिक्स करके ना उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता स्पून के साथ उसे हलाते रहना। उसका मिक्सर बन जाएगा और उसके बाद उसके अंदर चिली सॉस, साया सॉस और सिरका मिक्स कर देना है और फिर उसके अंदर दो या तीन अंडे जितनी मुनासिब हो सके वो लेके उसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता डालते रहना है और जब वो मिक्स हो जाए तो सूप तैयार हो जाएगा। वेरी नाइस बेटर, वेरी नाइस। मुझे बताओ घर में शौक से कौन बनवाता है? सिस्टर। कितने बहन भाई हो? सिक्स ब्रदर हैं। भाई कितने? सिक्स। बहने? दो हैं। बहने माशाल्लाह। अच्छा मुझे सब ज़रा बनती किसके साथ है? सबसे छोटे भाई के साथ। भाई के साथ? चलो मुझे बताओ, अली भाई आती है? हाँ जी आती है। ये बात है, मैं जो सुनाती हूँ सबको अली भाई नहीं आती और मुझे बहुत गुस्सा आता। अच्छा अली बे पे। अच्छा अली बे पे ते ते से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे अड़े जे से सीन छीन स्वाद वाह तोय जोय एन गेन पे काफ गाफ लाम मीम नून वाओ हे हमजा चुटिया बढ़िए। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके। थैंक यू जी। बड़ी क्यूट सी लड़की थी हमारे साथ, बड़ा तीखा सा नाक था उसका। अच्छा मैंने नोटिस किया लोगों के नाक जो हैं मोस्टली वो तीखे नहीं होते मोस्टली। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई लव माय नोज़, मुझे मेरा नाक बहुत पसंद है, तीखा स्लीक सा। इतना भी तीखा नहीं कि तोता लगो, लेकिन नाक जो है वो अल्लाह नज़र बल से बचाए जो है वो तीखा हो। अब तो खैर हर कोई कंटोरिंग कर लेता है, लड़कों मुंडों शुंडों के लिए मसला होता है, वो बेचारे कंटोरिंग नहीं कर सकते। खैर अली बे उसको आ गई। अब जी नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चलता आप लोगों के साथ इतना मज़ा आता है, हम इतना एंजॉय करते हैं कि टाइम कैसे गुजर जाता है। वाकई में यू गाइस आर अमेजिंग और इतना प्यार देते हैं, इतनी तारीफ़ें करते हैं, इतनी खुशी होती है मुझे सब कुछ देख के। चले मैं आपके जो आज के दो सवाल हैं वो आपको बता देती हूँ। एक आदमी ने फुटबॉल को किक मारी, फुटबॉल बहुत दूर तक गया, बगैर किसी चीज़ को टकराए वापस आ गया, कैसे? क्योंकि उसने किक ऊपर की तरफ मारी थी, फुटबॉल ऊपर की तरफ गया था इसलिए वो वापस आ गया। ठीक है चलें। दूसरा सवाल जो है आपका, वो कौन सा मुर्ग है जो अंडा देता है? तो वो है शुतर मुर्ग जो अंडा देता है। तो अब क्या होना चाहिए? अब आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और आज का टैलेंट ऑफ द डे वो लड़का था सदाम हुसैन, जिसने गाना सुनाया था सुरीली अखियों वाले। ही वॉज़ अ वेरी नाइस, हिज वॉइस टोटली स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस, बहुत जब वो चीख रहा था
وہ لہ اٹھاتا تھا تو اس کا گلے کی آواز پھٹتی نہیں تھی اور بہت اسٹرانگ وائس تھی اور وہ بننا بھی چاہتا ہے سنگر, تو ٹیلنٹ تھا اس کا, تب اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, تو ہی واز اے ٹیلنٹ آف دا ڈے. تب آپ سے اجازت دوں, اب جانے دیں. تو فیوریٹ پروگرام بھوجو تو جیتو, جمعرات, جمعہ, ہفتہ اتوار, تھرزڈے ٹو سنڈے شام کو 7 بجے دیکھیں, جو اگلی صبح 5 بجے اور 11 بجے رپیٹ ہوگا, لازمی دیکھیے گا. مجھے اپنی ہوسٹ علینا ہارون کو اجازت دیں, اور کسی بھی قسم کی آپ کو شو میں کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ کہہ سکتے ہیں. اللہ حافظ.